यहाँ मैडम जैंग सामान को देखकर खुश होती है। वो कहती है, बढ़िया, इन सभी को मेरे कमरे में रखवा दो, मैं इन सभी का अच्छे से यूज करूँगी। सभी सर्वेंट उठाते हैं। मैडम जैंग कहती है, ध्यान से उठाना, किसी को गिरा मत देना, ये सब मेरा दहेज है। तभी शाओयुआनी आती है और कहती है, आप दोबारा क्या कर रही है? मैडम जैंग कहती है, जब न्याओ न्याओ पैदा हुई थी तो मोशी जीत कर आए थे गू सिटी में। न्याओ न्याओ बहुत लकी चाइल्ड है, किसी के भी बेटी न्याओ न्याओ से ज्यादा लकी नहीं है। वो हंसती है और कहती है, भले ही वो फैमिली से रिश्ता खत्म हो गया, बट लिंग फैमिली उसका हाथ तोड़ते हुए मांगने आई। मैं बता रही हूँ, लिंग गुई को मैजेस्टी ने बड़ा किया है, वो तो प्रिंस की तरह रहता होगा। जैसे ही न्याओ न्याओ उससे शादी कर लेगी, वो एक प्रिंसेस की तरह जिएगी। शाओयुआनी उसे रोकती और कहती है, मरने से पहले आप सोच लो, कहीं आप चेंग फैमिली के लिए कोई मुसीबत कहीं ना कर दो। मैडम चेंग कहती है, मैं समझ गई, लिंग फैमिली बहुत फेमस है, मुझे लगता है उनका दहेज लू फैमिली से कम नहीं होगा। पहले जब लू फैमिली ने दहेज भेजा था, आधा ग्राउंड बन गया था। अगर अब लिंग फैमिली से दहेज आएगा तो पूरा ग्राउंड ही भर जाएगा, इसलिए मैं इस जगह को खाली करवा रही हूँ ताकि हम उसे यहाँ रखवा सके। शाओयुआनी कहती है, अभी तक लिंग फैमिली ने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने ना तो लड़का और लड़की का नाम बदला है और ना ही उन्होंने डेट ऑफ बर्थ बताई है। मैडम चेंग कहती है, अगर उन्होंने नहीं दिया तो तुम जाओ और पूछ कर आओ, अगर तुम्हें वहाँ जाने में शर्म आ रही है तो मैं चली जाती हूँ। बड़े लोगों के अलग ही कस्टम होते हैं, तुमने लो फैमिली से सीखा नहीं अभी तक। हमें जल्द से जल्द दहेज का सेटलमेंट करना होगा ताकि हम सेफ रहे। मेरा मतलब है, हमने शादी की डेट जल्द से जल्द फिक्स करनी होगी। तभी शिंकोंग आती है और बताती है, लिंग फैमिली से सर्वेंट आए हैं, वो बता रहे हैं कि मैडम बीमार है, इसलिए वो आपको दहेज नहीं पहुंचा सकते, वो आपको समझने के लिए कह रही हैं। मैडम चेंग कहती है, बीमार, इसका क्या मतलब है? मैं एकदम से बीमार कैसे हो सकती है? अब हम क्या करें? मैंने यहाँ की सफाई भी करवा दी, देखो जरा। वैसे अगर इन मैस ठीक नहीं है तो हमें उनसे मिलने जाना चाहिए और उन्हें मेडिसिन भी देनी चाहिए। शिंकोंग कहती है, लिंग फैमिली के सर्वेंट एक कहा है कि वो इस बीमारी से अपने इन्वॉल्व को इफेक्ट नहीं करना चाहती है, इसलिए चेंग फैमिली उनसे मिलने ना आए। शाओयुआनी हंसती है और कहती है, मार्कस चेंग हद धोती है। मैडम चेंग को सदमा लगता है, वो कहती है, ओ नो, सब खत्म हो गया, मुझे लगता है अभी शादी नहीं होगी। वो गिर जाती है और रोती है, मेरा दहेज चला गया।